सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया दोस्तों। अगर आपको ख्वाब में सांप दिखते हैं तो आज का हमारा यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको ख्वाब में सांप देखने की ताबीर बताने वाले हैं। यानी कि अगर आपने ख्वाब में सांप देखा है, यानी कि किस तरह का सांप आपने देखा है, किस जगह पर और किस हालत में आपने देखा है और उसका मतलब क्या होगा, वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। आप गलती से भी इस वीडियो को स्किप मत कर देना, यह वीडियो आपकी जिंदगी बचा सकता है। इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों की यह वीडियो काम आ सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों ख्वाब तो हम सभी को आते हैं, किसी को ख्वाब में क्या दिखता है तो किसी को क्या, मगर ख्वाब हर किसी को आता है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं ख्वाब में सांप देखने की ताबीर के बारे में, यानी कि अगर ख्वाब में सांप दिख जाए तो उसका क्या मतलब होता है। दोस्तों ख्वाब में सांप भी कई तरह से दिखते हैं और सबकी ताबीर भी अलग अलग होती है। इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि सांप देखने की 10 ताबीर होती हैं। नंबर 1 ताकत, नंबर 2 जिंदगानी, नंबर 3 सलामती, नंबर 4 बादशाही, नंबर 5 ऊंची पोस्ट, नंबर 6 औरत, नंबर 7 दौलत, नंबर 8 मौत, नंबर 9 लड़का और नंबर 10 सैलाब। अब दोस्तों आपने किस हालत में और किस तरह का सांप देखा है और उसका मतलब क्या होगा, वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से उसका मतलब निकाल सकते हैं, यानी कि आपके सांप देखने की क्या ताबीर होगी वो आप खुद ही इस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। दोस्तों इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि ख्वाब में सांप का देखना इंसान का दुश्मन की तरफ इशारा होता है। यानी कि ख्वाब में सांप का नजर आना आम तौर पर दुश्मनी की अलामत है, मतलब कि कोई है जो आपसे दुश्मनी रख रहा है। अब दोस्तों अगर किसी ने ख्वाब में देखा कि उसके घर में कोई सांप घूम रहा है, यानी कि किसी ने अपने ही घर में किसी सांप को देख लिया है, तो इसकी ताबीर यह है कि कोई उसके घर में है जो उससे दुश्मनी रखता है। अगर ऐसा ख्वाब कभी आ गया तो कोई बात नहीं, मगर जब ऐसा सांप आपको बार बार में दिखाई देने लग जाए तो आप समझ लेना कि कोई उसके घर में उससे दुश्मनी रखता है। इसलिए आपको उससे खबरदार हो जाना चाहिए, घर के लोगों से आपको होशियार हो जाना चाहिए। और दोस्तों अगर किसी ने ख्वाब में देखा कि वो अपने घर से बाहर कहीं गया हुआ है और वहाँ पर उसने किसी सांप को देख लिया, तो इसकी ताबीर ये है कि कोई बाहर का आदमी है जो आपसे दुश्मनी पाले हुए है और वो आप पर नजरें रखे हुए है। और दोस्तों अगर किसी को इस तरह का ख्वाब आया कि उसने ख्वाब में किसी सांप के साथ लड़ाई की है, यानी कि किसी सांप के साथ उसकी फाइटिंग हो गई है, तो इसकी ताबीर यह है कि उसका अपने दुश्मन के साथ लड़ाई झगड़ा होगा। और अगर किसी ने देखा कि उसकी सांप के साथ लड़ाई हुई है और उसने सांप को भगा दिया है, तो इसका मतलब यह है कि वो अपने दुश्मन पर हावी हो जाएगा, यानी कि अपने दुश्मन पर वो भारी पड़ेगा। और अगर आपने देखा कि सांप से आप डरकर भाग गए हो, तो मतलब कि आपका दुश्मन आप पर हावी हो जाएगा और आप अपने दुश्मन के आगे कमजोर हो जाओगे। अगर किसी ने देखा कि सांप से लड़ाई के दौरान उसको उस सांप ने काट लिया है, तो इसका मतलब यह है कि उसको उसका दुश्मन कोई ना कोई नुकसान पहुंचाएगा। अगर किसी ने देखा कि सांप से लड़ाई के दौरान किसी ने सांप को मार दिया है, तो इसका मतलब यह है कि आपने अपने दुश्मन को कमजोर कर दिया है और उसके दिल से आपके लिए दुश्मनी खत्म हो गई है। और दोस्तों अगर किसी ने देखा कि उसने ख्वाब में सांप का गोश्त खा लिया है, तो इसकी ताबीर यह है कि उसको दुश्मन का माल मिलेगा। अगर किसी ने देखा कि उसने ख्वाब में सांप के 2 टुकड़े कर दिए हैं, तो इसका मतलब यह है कि उसको अपने दुश्मन की तरफ से इंसाफ मिलेगा। इसी तरह से उसने साथ में यह भी देखा है कि उसने उन दोनों टुकड़ों को अपने हाथों में उठा लिया है, तो इसकी ताबीर यह है कि उसको दुश्मन से कोई माल धन मिलेगा, मतलब कि अगर किसी का किसी के साथ कोई केस वगैरह चल रहा है तो उसको उसमें जीत मिलेगी। इसी तरह से अगर किसी ने अपने ख्वाब में किसी मरे हुए सांप को देख लिया है, तो इसकी ताबीर यह है कि उसके ऊपर से कोई बला या फिर कोई मुसीबत खत्म हो जाएगी। और अगर किसी ने ख्वाब में देखा कि कोई सांप उसका कहना मान रहा है, यानी कि उसकी बात को मान रहा है, तो इसका मतलब यह है कि उसको दुश्मन की तरफ से इज्जत मिलेगी। और दोस्तों अगर किसी ने ख्वाब में देखा कि उसके ऊपर से कोई सांप गुजर गया है, तो इसकी ताबीर यह है कि उसका खुद का बेटा ही उसका दुश्मन बना हुआ है या उसका बेटा उससे दुश्मनी रखेगा। अगर किसी ने ख्वाब में किसी सफ़ेद सांप को देख लिया है, तो इसका मतलब यह है कि उसका कोई सख्त दुश्मन है। अगर किसी ने किसी हरे सांप को देख लिया है और साथ में यह भी देखा है कि वो उसका कहना मान रहा है, तो इसकी ताबीर यह है कि उसको कोई माल या दौलत मिलेगा। और दोस्तों अगर किसी ने ख्वाब में किसी काले सांप को देख लिया है, तो इसका मतलब यह है कि उसका दुश्मन किसी मौके की तलाश में है, उस पर नजरें बनाई हुई है, इसलिए आपको उससे खबरदार हो जाना चाहिए। इसी तरह से अगर किसी ने अपने ख्वाब में देखा कि कोई सांप उसके बिस्तर पर आ गया है और उसने उस सांप को मार भी दिया है, तो इसकी ताबीर यह है कि उसकी औरत यानी कि उसकी बीवी का इंतकाल हो जाएगा।
इसी तरह से अगर किसी ने देखा कि कोई सांप है जो उसको एक बार तो दिखा और उसके बाद वो सांप जमीन में धस गया है, तो इसका मतलब ये है कि वो हलाक हो सकता है। और दोस्तों, अगर किसी ने ख्वाब में किसी सांप को देखा और वो उसको मारने के लिए उसके पीछे भागने लगा और वो सांप डर के मारे उसके आगे आगे भागने लगा, तो इसकी ताबीर ये है कि उसका दुश्मन बहुत ही कमजोर और डरपोक है। तो दोस्तों, अब तो आप भी समझ गए होंगे कि ख्वाब में किस तरह का सांप देखने की क्या ताबीर होगी। अब आप देख लेना कि आपको किस तरह का ख्वाब आया है और उसका क्या मतलब होगा।